अजल्दा में नाबालिका अपहरण कर हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ में अजल्दा नहर पुल के पास से दो आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों ने भागने के प्रयास में पुलिस पर फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिससे वो बाइक समेत सड़क पर जा गिरा। इसी बीच SOG टीम व थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। अजल्दा क्षेत्र के एक गाँव निवासी एक नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के दो आरोपियों को SOG प्रभारी सत्येंद्र यादव व थाना अध्यक्ष अजल्दा दीपक सिंह ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को देख उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने तमंचे से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। ये देख बचाव में SOG टीम ने फायर किया। इस पर आरोपी कुलदीप के दाहिने पैर में गोली लग गई। ये कुछ घटनाओं के संबंध में मुखबिरी सूचनाएं जो प्राप्त हुई थी उसके क्रम में सभी थाना क्षेत्रों में 7, 7.30 से 9, 10 के बीच में संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग के निर्देश निर्गत किए गए थे। तो अजल्दा थाना क्षेत्र में भी जो है नहर पुलिया है, घसारा नहर पुलिया के पास चेकिंग लगाई गई थी। यहाँ बर्तना की तरफ से एक बाइक आई जिसका नंबर एक मिसिंग था, तो हमारी पुलिस पार्टी ने उसको चेक किया, रोकने का प्रयास किया तो उसने फायर कर दी और फायर करके चकमा देके आगे भागने लगे। तो सिखाए हुए तरीके से पुलिस की टीम ने उसका पीछा किया और पीछा करते समय उनको चेतावनी दी कि भाई आप रुक जाइए अदरवाइज फायरिंग की जाएगी, लेकिन उन लोगों ने बैकफायर किया। तो पुलिस पार्टी ने अपने बचाव में जो है एक फायर की है जिसमें एक अभियुक्त के दाहिने पैर में चोट ये गोली लगी है। और जब इनको रोका गया और फिर पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग परसों रात्रि की एक घटना थी अजल्दा थाना क्षेत्र में जिसमें एक 14 साल की पीड़िता के साथ तीन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। तो ये उसके दो वांछित हैं जो बाइक पर थे और कहीं भागने का प्रयास कर रहे थे, तो टीम ने जब रोका तो इन्होंने उस पर फायर किया। एक का नाम इसमें जो घायल है वो कुलदीप यादव पुत्र विजयपाल और दूसरे का नाम है गौरव यादव पुत्र आशुतोष। मैम